हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जी आज हम लोग गए हुए हैं घूमने और मैंने सोचा मैं आपके साथ व्लॉग शेयर करती हूँ। तो आज पहले हम लोग गए सैटेलाइट टाउन। ये झेलम का सबसे अच्छा और सबसे प्यारा जो है पार्क है, बहुत ही खूबसूरत ये पार्क है। हम लोग ये एंटर होने लगे हैं अंदर, और इसकी जब हम लोग एंटर होते हैं यहाँ पे ये, तो बहुत ही प्यारे फूल लगे हुए हैं, इतने प्यारे लगे हुए हैं। इनकी डेकोरेशंस बहुत ही अच्छी हैं, इनके पौधे जो हैं, हर चीज़ इन्होंने एक आप कह लें कि हर चीज़ इन्होंने परफेक्ट बनाई हुई है। बच्चों के लिए बहुत अच्छा है ये, एटलीस्ट आप एक बार तो ज़रूर ही आएँ और इसको देखें, बहुत ही प्यारा लग रहा है ये। यहाँ पे जो है रेलगाड़ी का जो है, जो रेलगाड़ी है वो होती है, और रेलगाड़ी में लोग बैठ के पूरा जो हम लोग ज़ू हैं वो घूमते हैं। और यहाँ से हम लोग एंटर हो रहे हैं आगे पार्क में, और पार्क में जाके आपको बहुत ही मज़े के और बहुत ही प्यारे प्यारे फूल और दरख्त, और उसके बाद आपको लोइंस देखने को मिलेंगे, जू आगे जाके आपको मिलेगा देखने को। और हम लोग साथ बच्चों को लेके गए थे, साथ कज़न्स गई थी, बहुत ही हम लोगों ने इंजॉय किया। ये देखें आप फूल देख रहे हैं, बहुत ही प्यारे फूल लगे हुए हैं। आगे जो गार्डन था बहुत ही प्यारा उन्होंने सजाया हुआ था, और अंदर पानी भी लगाया हुआ उन्होंने कि पौधों को पानी दे रहा था साथ वो। और ये देखें जी हम लोग अब यहाँ पे आ गए हैं, ये जो है ये साथ पिज़्ज़ा पैलेस है, और यहाँ पे हम लोगों ने पिज़्ज़ा वगैरह खाया और बहुत ही मज़े का पिज़्ज़ा था, हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया। फिर हम लोग आगे गए, आगे जो है हम बच्चों को हम लोगों ने घुमाया। यहाँ पे जो है आप जो ये पिलर्स वगैरह देख रहे हैं ना, यहाँ पे फ़ोटोशूट बहुत ही नाइस होती है, और लोग तो काफ़ी आते हैं, ज़्यादातर जो टिकटॉक वाले लोग होते हैं वो यहाँ पे तो ज़रूर आते हैं और अपनी टिकटॉक यहाँ पे बनाते हैं। शूटिंग भी हो रही होती है यहाँ पे, और जो शादीशुदा जोड़े हैं ना वो भी यहाँ पे एटलीस्ट एक बार तो ज़रूर ही घूमने आते हैं। ये आप सामने देखें, ये लगे हुए हैं जी, लॉन्स इन्होंने लगाए हुए हैं। ये जो है ये इधर जो है बहुत ही अच्छा एंट्रांस बना हुआ है। ये जो आप जहाँ पे हम लोग चल रहे हैं ना, यहाँ पे रेलगाड़ी भी आती है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखें जी, ये रेलगाड़ी चल रही है, ये आपको पूरा जू घुमाएगी। और एटलीस्ट ये 300 का आई थिंक एक झूला है, और ये पूरा जू घुमाता है। तकरीबन आपको आधा घंटा लगता है इस पे बैठ के, और आप पूरा जू देखते हैं। और हम लोग पैदल गए थे पूरा जू देखने, और हम लोगों को एटलीस्ट हम लोग गए थे 6 बजे, और 1 घंटे 1.5 घंटे में चल चल के हम लोग पूरा फुल जू देख के आए हैं, और हमें बहुत ही मज़ा आया था ये पार्क देखने में। और ये देखें यहाँ पे ताहा इब्राहिम जो हैं, यहाँ पे इन्होंने कोई कैट देख ली थी तो वो उसके पीछे लग गई, और मैं ढूंढ रही थी ये बच्चे गए कहाँ। तो आगे फिर अब ताहा इब्राहिम को बस जब ग्राउंड मिल जाता है तो उनको खुला छोड़ दो, तो ये घूमते रहेंगे। और ये देखें, ये मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा था, मैंने कहा कि आपको दिखाती हूँ, आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये ताहा इब्राहिम को तो बहुत ही मज़ा आ रहा था। यहाँ पे जो है जी कैट अंदर घुस गई थी पौधों में, और ये दोनों इसको ढूंढ रहे हैं अभी तक कि हमारी कैट गई कहाँ पे है। और ये देखें, ये सामने जो है ये स्टैचू इन्होंने लॉयंस के लगाए हुए हैं। इसकी सबसे जो स्पेशलिटी है ना इस पार्क की, वो ये लॉयंस हैं, और मुझे तो बहुत ही अच्छे ये लग रहे थे स्टैचू, ये जो लॉयंस इन्होंने बनाए हुए हैं। और ये हमारे घर से अगर हम लोग दूरबीन लगा के देखें ना, तो सामने हम लोगों को ये लॉयंस ज़रूर नज़र आएंगे। तो ये देखें, ये जो इन्होंने ट्रीज़ के ऊपर लाइटिंग की हुई है, जब शाम होती है ये लाइटिंग बहुत ही प्यारी लगती है, बहुत ही खूबसूरत लगती है। और इतने इन्होंने की हुई है, ग्रास वगैरह बहुत ही अच्छी लगी हुई है। और ये देखें जी, इन्होंने जो कटिंग की हुई है पौधों की, मुझे बहुत ही प्यारी लगी थी, तो मैंने सब की छोटी छोटी क्लिप ली, छोटी छोटी वीडियोस बनाई। आगे हम लोग पार्क में गए, आगे जो है जी ये झूला पार्क है, ये झूले लगे हुए हैं यहाँ पे, स्लाइड्स बच्चों के लिए लगी हुई हैं, डिफरेंट स्लाइड्स हैं, बच्चे बहुत ही इंजॉय कर रहे थे यहाँ पे। इब्राहिम तहा ने दूर से ये स्लाइड्स देखी तो भागे आगे, और ये देखें यहाँ पे जी जनाब सारे बच्चे जो हैं झूले ले रहे हैं स्लाइड्स पे, और इब्राहिम को भी बहुत मज़ा आ रहा है, तहा भी आया हुआ था उसको भी बहुत मज़ा आया। तो जी ये देखें, ये इब्राहिम चढ़ रहा आगे और बहुत इंजॉय कर रहा था। तो स्पेशली मैं इनको वीक में या 2 वीक बाद एक दफ़ा तो ज़रूर लेके आती हूँ ताकि ये इंजॉय करें। ये बच्चों के लिए स्पेशल पार्क है, बहुत ही मज़े का है,
और यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि लोगों ने प्लॉट्स लेके रखे हुए हैं, बहुत ही महंगे प्लॉट्स हैं लेकिन बहुत ही अच्छे उन्होंने, एक आप कह लें कि बहुत ही अच्छे बनाए हुए हैं घर उन्होंने एक जैसे, और ऐसे लगता है कि आप बाहर आ गए हैं, यहाँ पे बिल्कुल बाहर का माहौल है। तो प्लॉट्स आई थिंक 5-6 लाख का तो मरला अब हो गया है, और इतनी प्यारी इन्होंने यहाँ पे प्लॉटिंग की हुई है वो भी मैं आगे आपको दिखाती हूँ। साथ साथ था ताहा इब्राहिम यहाँ पे झूले ले रहे हैं तो वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, ताहा को बहुत मज़ा आ रहा था झूले लेते हुए। तो फिर जी आगे हम लोग गए, यहाँ पे जो है यहाँ पे लॉइंस रखे हुए थे, बहुत लॉइंस था। और ये देखें ये आगे मुझे कुछ साफ यहाँ पे नज़र नहीं आया, वो आगे जाके सोया हुआ था क्योंकि शाम हो गई थी। तो हम लोग जो हैं फिर तेज़ तेज़ आगे चले गए, आगे देखा, उसके बाद यहाँ पे जो है यहाँ पे भी बहुत प्यारी शूटिंग होती है, बहुत प्यारी टिकटॉक्स बनती है, हम लोगों ने तो खूब बनाई थी। और इसके बाद उस साइड पे जो है वो ज़ू है, वहाँ पे पैरट्स वगैरह और सब कुछ रखा हुआ था, हर एक चीज़ है यहाँ पे, बहुत ही प्यारा ज़ू है, आप ज़रूर आइएगा। और यहाँ पे लॉयंस वगैरह थे, डियर्स थी, पैरट्स थे, उसके बाद हर किस्म के पैरट्स इन्होंने रखे हुए थे। और आगे फिर हम लोग गए, ये एक और झूला आगे लगा हुआ था, ये भी बहुत बड़ा था, यहाँ पे भी इन्होंने एंजॉय किया, झूले ले खूब सारे। और जी फिर हम लोग ने सोचा कि अब शाम हो रही है और पूरा ज़ू हम लोगों ने घूमना है, एक एक दो दो झूला दो बच्चों को, और अब बस आगे चलो। तो फिर जी जनाब तहा इब्राहिम तो ये तो रुक नहीं रहे थे, इन्होंने तो झूले ही लेने थे और झूले लेने ये यहाँ पे आए थे, फिर हम लोगों ने इनको लिया, फिर आगे गए। ये देखें यहाँ पे सिटिंग प्लेस जो है बहुत प्यारी बनी हुई है, बेंचेस बने हुए हैं। और उसके बाद ये आगे जो है ना ये बहुत ही प्यारा इन्होंने बनाया हुआ है, यहाँ से पानी आ रहा होता है, लाइटिंग हो रही होती है, शाम को ये देखने में मंजर बहुत ही प्यारा लगता है। तो हम लोगों ने स्लाइड्स पे आगे, खूब सारी स्लाइड्स हैं यहाँ पे, बच्चे खूब इंजॉय करते हैं, हर स्लाइड पे इन्होंने दो दो तीन तीन झूले लिए। और इनको आगे लेके गए हम क्योंकि बहुत ज़्यादा आगे तक हम लोगों ने जाना था और मैंने आपके साथ सारी वीडियो शेयर करनी थी। तो ये देखें जी अब ये झूले लेने तो हम लोग फिर आगे चलते हैं, यहाँ पे सिटिंग प्लेस देख लें बहुत ही प्यारी बनी हुई है ये देखें। तो फिर आगे जी और झूले आए हुए थे, वहाँ पे भी इन्होंने कोई झूला इन्होंने ऐसा नहीं है जो छोड़ा होगा, ताहा इब्राहिम ने तो सारे झूलों पे झूले लिए। और यहाँ पे ये देखें प्लॉटिंग की हुई है इन्होंने उस साइड पे, बहुत ही प्यारे घर बने हुए हैं। और आगे हम लोग की शाम तो एटलीस्ट हो गई थी, अंधेरा हो गया था जाते जाते, हम लोगों को तो यहाँ पे देखें बहुत ही प्यारा लगता है, यहाँ पे हम लोगों ने टिकटॉक्स बनाई, वीडियो बनाई, फोटो शूट किया, बहुत ही प्यारा लग रहा था। ये देखें ये लाइटिंग भी की हुई है उन्होंने नीचे। तो फिर हम लोग आगे, ये देखें ये प्लॉट्स हैं, प्लॉट्स के लिए अलग एरिया है और हर एरिया का इन्होंने नाम रखा हुआ, ABCD प्लॉट सारे रखे हुए हैं इन्होंने। उसके बाद ये देखें जी ये जेब्रा वगैरह, डियर्स वगैरह ये सारी देखी। और इसके बाद ये जो है ये स्पेशल यहाँ पे लोग इस वजह से आते हैं कि हम लोगों ने यहाँ पे शूटिंग करनी है, टिकटॉक बनानी है, और साइड पे यहाँ पे प्लॉट्स हैं बहुत ही प्यारे बने हुए थे। और फिर हम लोग आगे गए जाते गए, ताहा इब्राहिम लोगों को तो एटलीस्ट भूख लग गई थी, प्यास लग गई थी, तो फिर इनको यहाँ से चिप्स वगैरह लेके दिए, जूस लेके दिया। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे आए तो यहाँ पे बड़े झूले थे, लास्ट पे जो है गार्डन वहाँ पे थे, एंड पे जाके बहुत ही हम लोगों को टाइम लगा था, एटलीस्ट थक गई थी हम लोग। आगे जाके बड़े झूले हैं यहाँ पे, ये घोड़े पे इन्होंने ज़्यादा किया था कि हम लोगों ने बैठना, लेकिन मैंने बैठने नहीं दिया क्योंकि बहुत छोटे थे ये। और ये जो है जी ये शिप है, और उसके बाद वो वगैरह देखे हम लोग फिर वापस आए। फिर मैंने इसकी थोड़ी सी वीडियो क्लिप बना ली ताकि आपके साथ फिर शेयर करूँ, मुझे ये बहुत ही प्यारा लग रहा था। ये देखें लाइट भी की हुई है और पानी चश्मा जिस तरह इन्होंने बनाया हुआ है, बहुत ही प्यारा इन्होंने मैप बनाया हुआ है। फिर हम लोग थक गए थे, लास्ट में आके हम लोग चमन गए, चमन पे हम लोगों ने आइसक्रीम खाई, बहुत ही मज़ा आया था हम लोगों ने। तो ये देखें जी आइसक्रीम हम लोग खा रहे हैं, सारों ने अलग अलग फ्लेवर लिए आइसक्रीम से, आइसक्रीम खाई। और उसके बाद हम लोग गोलगप्पे वाले को देखने गए, लेकिन बहुत रात हो गई थी, 10 साढ़े 10 बज गए थे, तो हम लोगों ने फिर गोलगप्पे वाला तो चला गया था, तो हम लोगों ने गोलगप्पे नहीं खाए, तो बस आइसक्रीम खाई
और बस जल्दी जल्दी घर भागे क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे। तो आई होप आपको ये आज का मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। थैंक यू।